नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है नवछोड़ लाइव पर। हिसार के पुष्पा कॉम्प्लेक्स स्थित जन औषधि केंद्र पर केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के निर्देशों पर सोमवार 7 मार्च को प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान पता चला कि कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहाँ दवाएं बाजार दरों से 50-90% कम कीमत पर मिल रही है। इनसे न केवल गरीबों की बल्कि मध्यम वर्ग को भी बहुत फायदा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का योजना के लाभार्थियों एवं केंद्र संचालकों के साथ सीधा संवाद भी हुआ। भारतीय जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें हमारे मुख्य अतिथि कैप्टन रविंद्र वीर चक्कर जी, सुरेंद्र मेहता जी रजिस्ट्रार HU, हमारे महामंत्री प्रवीण कोपरी जी, जिला सचिव सुनील रेवड़ी जी और रतन सैनी जी और भी हमारे जोधर शर्मा जी हैं, ये सभी आए हुए हैं। तो आपको भी हमारे जिला अध्यक्ष जी आपको अभी राजेंद्र सप्रा जी ने बताया कि आज 7वां दिन है और हम सारे के सारे यहाँ जो जन औषधि दिवस है उसको मनाने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं और इस कार्यक्रम में इस उपलक्ष्य पे पार्टी के सभी सीनियर पदाधिकारी जिनका आपको नाम बताया, उनके अलावा साथ में सुरेंद्र मेहता जी हैं जो हम सब जानते हैं, HU के अंदर रजिस्ट्रार साहब हैं। VC साहब को भी आना था पर संजीव रेवड़ी जी ने बताया कि रात को कोई दिक्कत परेशानी या कोई नया कोई कार्यक्रम आ गया है इसलिए वो आ नहीं पाए। जैसा कि हम सारे के सारे जानते हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर 1100 से ऊपर ये जो जन औषधि देने के लिए खोले हैं अपने विशेष कार्यक्रम के नाते, कार्यक्रम के तहत मेन मकसद दो ही थे। नंबर वन कि चोरी चकारी कई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, रेट एक ही चीज़ का ब्रांड बदल दो तो दूसरी चीज़ हो जाएगी, दूसरा ब्रांड बदल दो तो और ही कुछ, और आम आदमी को आप और हमारे जैसे को क्योंकि हमको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती तो इसलिए हमको ध्यान ही नहीं होता और समझ नहीं आती, और बड़ी कंपनीज बड़ी छोटी सी चीज़ की ब्रांड वैल्यू की वजह से उसका दाम बहुत ज़्यादा हो जाता था। इस प्रकार की जो लूटमार आम आदमी के साथ होती थी उसको ख़त्म करने के लिए ये स्टोर्स बनाए गए थे, जिसमें अंग्रेज़ी में कहें तो जेनरिक मेडिसिन जो होती थी उसको हो जाए। ऐसी एक सोच के तहत अभी बताया आपको कि ये वाला जो स्टोर है हरियाणा का पहला स्टोर है जहाँ अपन बैठेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी हम सबको इस दिवस के ऊपर संबोधन भी कर रहे हैं, उधर TV वगैरह और स्क्रीन लगा रखा है। मेन मकसद चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे यहाँ पे हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का हो, वो ये है कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसका लाभ हो, उसका उत्थान हो, उसके साथ चोरी चकारी ख़त्म हो, तभी वहाँ से समाज उठ के आगे आ पाएगा। और ये जो एक बड़ा जो प्लान है, बड़ी जो स्कीम है, उसका एक पहलू या एक चीज़ जो है वो ये है। इस जो हम सबको मालूम है हम सारे के सारे सस्ते दाम पे आपको मिलेगा। हर वर्ष मैं अभी देख रहा था कोई 4,000 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, मतलब इतनी सेविंग हो रही है आम आदमी के लिए, मतलब 4,000 करोड़ की अगर सेविंग हो रही है और हर साल हर वित्तीय वर्ष के अंदर अगर इतनी बड़ी सेविंग हो रही है और गुणवत्ता वाली चीज़ भी मिल रही है, गारंटी वाली चीज़ भी मिल रही है, तो आप सोचो कितना बड़ा एक लाभ हो रहा है आम आदमी के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि केवल दवाइयाँ भी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर बाकी जो साजो सामान हॉस्पिटल से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो भी इसमें होता है,
करीबन 250 ऐसी चीज़ हैं, जैसे ग्लव्स होते हैं, कैथेटर होता है, आईवी का ट्यूब जो होती है, इस तरह की लगभग 200-250 चीज़ें चल रही हैं। और अभी आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड होते हैं वो भी 1 रुपये में उपलब्ध कराने की स्कीम स्टार्ट की है। और 1 रुपया तो मतलब मैं आज के दिन क्या आता है, परंतु प्रधानमंत्री जी की ऐसी सोच है कि चलो खर्चा पड़े तो जैसे भी देखें करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है, एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है। अगर आप गरीब लोगों में जाके देखेंगे तो विशेषकर महिलाओं में मतलब बड़ा आँखों में पानी आ जाता है कि एक तरफ तो हम 21वीं सदी के अंदर पहुंच चुके हैं और आज भी इतनी ज़्यादा गरीबी है। एक सामान्य से सैनिटरी पैड की वजह से दिक्कत परेशानी में हैं, तो ऐसी महिला फिर इतनी गरीबी में भी रह रही है और वो क्या मतलब काम काज कर पाएगी, क्या अपने परिवार का लालन पालन किस प्रकार से कर पाएगी। तो बहुत बड़ा काम है, और भी चीज़ें इसके अंदर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और चीज़ें इसके अंदर जोड़ते जाएंगे, जो कि सामान्य एक प्रक्रिया रहती है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हरियाणा के अंदर ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी जो CM साहब हैं, पिछले 7 साल से जो लगातार लगे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब आज यहाँ पे आए, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की स्कीम आप लोगों के माध्यम से बहुत पॉपुलर होगी और गरीब जन का, आम जन का, आप और हम जो सामान्य परिवारों से हैं, हम सबका भी बड़ा लाभ होता है। तो मैं कहना चाह रहा था, मेहता साहब अगर कुछ बताना चाहेंगे तो मैं आग्रह करूँगा मेहता साहब से कुछ बातचीत रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं समझता हूँ जो समाज में एक कुरीति, एक बुराई आ चुकी थी पिछले कुछ वर्षों से कि आम जन से लूट खसोट दवाइयों के नाम पर हो रही थी। अगर हम बात करें पिछले 50 वर्षों की, मैं सोचता हूँ तो डॉक्टर्स की छवि जो हम सब के दिमाग में थी वो भगवान का दर्जा उसे दिया जाता था, पर आज जो छवि हम सब लोगों के दिमाग में है वो आप सब समझते हैं, मैं भी समझ पा रहा हूँ। इस कुरीति को, इस बुराई को, इसी मायाजाल को तोड़ने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की है, जिसके तहत आज जन औषधि दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ इसका आम जन तक, जन जन तक और समाज में जो अंतिम छोर तक लोग हैं, डाउन ट्रोडन फैमिलीज हैं, अंतिम छोर तक जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, अंत्योदय योजना भी उन्होंने शुरू की हुई है, उनको सूचित करने के लिए, उनको अवगत कराने के लिए कि ऐसे औषधि केंद्र हमारे हरियाणा में, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में, सभी प्रदेशों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और लगभग हर एक ज़िले में ये केंद्र विद्यमान हैं और फंक्शनल हैं, ताकि लोग, आम जन इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो उन पे जो फाइनेंशियल एक कुठाराघात हो रहा था उससे बच सकें, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी है जो हजारों लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवा रहा है। तो इसी उद्देश्य से ये जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना शुरू की गई है, और ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, इतना ही कर। सरकार की एक नई योजना है, क्या शुरुआत में जो आपके अनुभव थे उसके बारे में पूछा। सर मेरा जब ये मैंने शुरू किया था, हरियाणा में कोई भी स्टोर नहीं था, तो जब मैंने शुरू किया था एक मुझे एक सोच अच्छी लगी कि मैं, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और मैं जो दवाइयां बेच रहा था मैं खुद देख रहा था कि कितना इसमें मार्जिन है, इसमें कंपनियों को कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैं अच्छा, सैलरी भी मेरी अच्छी थी, बट मेरे अंदर एक भावना ऐसी आई कि मैं कुछ अच्छा काम करके, मेरा नाम नहीं हो पा रहा था, मतलब कुछ अच्छा काम मैं अंदर संतुष्टि नहीं थी, इसलिए मैंने ये योजना से इंस्पायर होकर मैंने काम शुरू किया। और जब मैंने काम शुरू किया, यकीन मानिए सर, दिन में मुझे सिर्फ कस्टमर को समझाना ही पड़ता था। जो दवाई लेके जाने वाले जो बंदे थे वो बहुत कम थे, और वो मतलब लेके भी जाते थे तो मतलब ये नहीं था कि भाई उनको पूरा विश्वास हो गया है, बस वो एक
ट्रायल के तौर पे लेके जाना चाहते थे, चलो हम ये दवाई लेके देख लेते हैं। बट 2016 से जब मैंने शुरुआत की, 2017-18 तक आते आते हमें ये लगा कि हमने जो काम किया है शुरू और वो बहुत सही काम है, और उसमें हमें अब ये लगने लग गया कि ये काम हम आगे और बढ़ाएंगे।